कार्लाई में आपका स्वागत है। मैं दीप सिंगर, आइए चलते हैं खास खबर की ओर। आज से चैत नवरात्रि प्रारंभ हो गई है। चैत नवरात्रि के पावन अवसर पर जगह जगह मंदिरों में भक्तों द्वारा माता रानी की आराधना की जा रही है। वहीं लोगों में काफी उत्साह भी देखा गया है। आज हमारी टीम झांसी के नीम वाली माता मंदिर पहुंची। बताया जाता है कि नीम वाली माता मंदिर अंग्रेजों ने जब झांसी पर अधिकार कर लिया था तो इस मंदिर को तोड़ने के लिए अपनी सेना भेजी थी, लेकिन मंदिर के पास रह रहे लोगों को मां ने स्वप्न दिया और कहा कि मेरा आशीर्वाद तुम सभी के साथ है। इसके बाद लोगों ने अंग्रेजों से लोहा लिया और मंदिर नहीं तोड़ने दिया। मां काली का यह प्राचीन मंदिर चूने के पत्थरों से बना हुआ है। वहीं लोगों का कहना है कि जो भी यहां आता है सारी मनोकामनाएं उसकी पूर्ण होती है। वहीं मंदिर के बाहर फूल माला व प्रसाद की भी दुकानें लगी दिखाई दी। वहीं हमारी टीम ने लोगों से बातचीत की तो लोगों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। हरी शर्मा जी, प्राचीन मंदिर है निम्बाली माता, काफी सालों पुराना है। लोग यहाँ आते हैं अच्छी श्रद्धा से, भाव से, काफी मान्यता है यहाँ की। नमस्कार। 10 साल से हाँ व्रत रख रही हूँ मैं नवरात्रि के पर। इसकी तो काफ़ी विशेषता है, बहुत प्राचीन मंदिर है, सिद्ध मंदिर है और यहाँ जो भी जो मनोकामनाएं मांगता है पूरी होती है। नव संवत्सर का पहला दिन, सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी के आशीर्वाद से हम सभी का कल्याण हो और उनकी कृपा हम सभी पर बरसती रहे। ये संवत्सर सभी के लिए मंगलमय हो, क्योंकि इस संवत्सर का नाम कालकीय है और राजा मंगल है, मंत्री शनि है, मंत्री की अनुसार ही राजा कार्य करता है। तो शनि देव मंत्री हैं तो उनको मनाते रहें तो हमारा कार्यभार भी अच्छे से चलेगा, लेकिन दोनों में आपस में खींचतान रहेगी, राजा और मंत्री में। दोनों का स्वभाव भी विपरीत है, इस कारण से थोड़ा सा तनाव की स्थिति या संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी इस वर्ष में। तो सभी को इस बात पर ध्यान भी देना और सभी को बारम्बार नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी का कल्याण हो, मंगल हो। नवरात्रि में ये शनि शक्तिपीठ और संग में जुड़ा हुआ माता का पुराना स्थान निम्बाली माता के नाम से प्रसिद्ध, तो यहाँ तो नवरात्रि में हजारों की संख्या में दिन भर भीड़ चलती रहती है। प्रातः 4 बजे से लेकर के रात 9-10 बजे तक के भक्त लोग आते ही रहते हैं, दर्शन पाते ही रहते हैं।